वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मेहमान सा गालबोल जो सिलसिला जारी है, जफर बल्ती सा ब्रेक का पहले गालबोल कर रहा है। जफर, अब एक चीज पूछूंगा, खान साहब को अब समझ आ गई है कि जो गलती उन्होंने माजी में की थी, क्योंकि पंजाब में भी अरकान मुनहरफ हो गए, इधर भी मुनहरफ हो गए, उधर तो वोट दिया तो वो हो गए डी सीट, इधर तो चलो वोट नहीं दिया इसलिए नहीं। अब वैसे उनका अभी प्रॉपर ट्रैक पे चलने का इरादा है, आप जैसे नौजवानों को अभी अहदे भी मिले, इससे पहले नज़रअंदाज किए, ये समझते हैं पीटीआई की क़यादत की उस वक्त की माजी की ये गलती थी, ना करते तो आज ये सीन ना होता। देखो, उसमें ये है कि सबसे पहली बात हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, पार्टी एक समंदर है, उसमें हज़ार किस्म के लोग आए जाते हैं। तो खान साहब हो गए, अभी अक्सर लोग ये समझते हैं कि खान साहब ही ऊपर से हर फैसले होते हैं, नहीं, पार्टी की एक सेकंड ईयर लीडरशिप है, थर्ड ईयर लीडरशिप है, तो ये ओहदे हो गए, पार्टी के टिकट्स हो गए, बहुत से लोग उनकी भी एक इंटरेस्ट या उनकी भी मर्ज़ी शामिल होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे थे पार्टी के अंदर जिन्होंने अपने ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की, अपने बंदों को आगे लाने की कोशिश की, इसी वजह से इस टाइम पार्टी को नुकसान पहुँचा। आप मुनहरिफ अरकान का आप देख लें, वो ऐसे बनते थे जो एक इम्पोर्टेड लोग थे जिनको पार्टी के अंदर ला के टिकट दिया गया। फेवरेट थे खान साहब के, जहांगीर तरीन साहब वही लेके आ रहे थे, आज फेवरेट नहीं है तो फिर उसके खिलाफ वैसे दोगली राय है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि खान साहब ने, बल्कि पिछले उनका बयान भी आया था कि अब खान साहब को पता चल गया, देखिए इंसान तजुर्बे से ही सीखता है, खान साहब को पता चला है कि यार अपने रिव्यू करेंगे खान साहब सारे कैंडिडेट को नए इलेक्शन जो होंगे उसमें। मैं ये समझता हूँ कि अब खान साहब पीटीआई के जो नजरियाती वर्कर हैं, जो ओरिजिनल वर्कर हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, इलेक्टेबल ही नहीं होंगे तो फिर आप पार्लियामेंट में कैसे। सर, इस टाइम जो पीटीआई के, मैं ये समझता हूँ कि हवा ऐसी चली हुई है, लोगों को पता चल गया कि कौन पाकिस्तान के हक में और कौन पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इमरान खान के टिकट पर कोई भी बंदा आएगा जिसको इमरान खान नामजद करेंगे, जो पीटीआई का नजरियाती वर्कर होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह कामयाबी वो हासिल। तहरीक इंसाफ की माजी की जो गलती थी, अब उसको सुधारेंगे खान साहब आपके ख्याल में? क्योंकि वो गलती, ये खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ा ना, 25 उनके पार्लियामेंटरी एम पी उधर से हटके लगे, 20 इधर से चले गए। इस मासूमाना सवाल पे मैं तबस्सुम ज़ेरे लब ही कर सकता हूँ। खान साहब कौन हैं सुधारने वाले? हमारे यहाँ कोई भी पार्टी लीडर जो है उसे एक ठेला दिया जाता है, उस पर केले, मूलियाँ, माल्टे, संतरे सब पड़े होते हैं, ये सारे के सारे माल्टे संतरे हैं, और ये जिन्होंने दिए हैं वही 4-5-6 ठेले लगा रखे हैं उन्होंने, और वो नहीं चाहते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेके आए। उन्होंने एक बार नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी दे के देख लिया था। अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि हज़रत इमरान को बेल आउट किया गया, ये एक नूरा कुश्ती है, ये सारे लोग जो हैं। अच्छा, ये इंटरनल पॉलिटिक्स थी, एक्सटर्नल नहीं थी, क्योंकि वो इमरान खान साहब तो कहते हैं एक्सटर्नल कोई कुछ भी नहीं है। अब पता है दुनिया कहाँ चली गई है, अब किसी को फिजिकली यहाँ आने की जरूरत नहीं है। के रहनुमा के सामने कह रहे हैं कि एक्सटर्नल नहीं है, रहनुमा बेचारे मस्कीन लोग हैं, आप छोड़ दें, मैं जो अर्ज कर रहा हूं सामने कह रहे हैं कि एक्सटर्नल नहीं है, फिर इमरान खान का बयान। मैं जनाब इमरान खान को मस्कीन कहता हूं, वो बेचारा मस्कीन आदमी है, इस्तेमाल हुआ है, वो तो कहते हैं बाहर का बयानिया है, बाहर की साजिश है। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ किसी को बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है। सियासी हालात पे चले जाते हैं, सियासी हालात नहीं, सियासी हालात पे थोड़ा सा चले जाते हैं। कोई सियासत नहीं है यहाँ जनाब। लतीफ़ साहब, सियासी हालात ये हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में खान साहब ने जो नैरेटिव बयान किया उसके नतीजे के तहत ये हुकूमत गई, या इन जो मुनहरफ अरकान है उसके नतीजे में उनको नुकसान भुगतना पड़ा। अब क्या इमरान खान साहब समझ गए हैं कि ये मेरी गलती थी, अब इसको सुधारूँगा? इमरान खान साहब भी नहीं समझे और ना वो दूसरे लोग समझे हैं, वो सारे के सारे पता किस नशे में आए हैं, वो अपने केस ख़त्म कराने के लिए आए हैं। उन्हें ये बताया गया था कि जनाब इमरान आ जाएगा, खा जाएगा, सारी कीती कतरी खूब बह जानी है, चपालिया भी आ जाएगा। 3.5 साल तक तो कुछ नहीं किया था उनको, किस यही साल कह रहा हूँ। अगर वैसे मेरी एक गुजारिश है आपसे, बींग जर्नलिस्ट, हम सारे के सारे दो तो तीन तो हम हैं ना, अगर ये बेचारा इमरान खान 5 साल पूरे कर लेता तो क्या हो जाना था, कौन सी उफ्ताद पड़ी थी, आसमान कौन सा गिर रहा था, तो कहती है ना कि भी वो और 12-13 बंदे में चला गया, 12-13 बंदे कुछ भी नहीं होने वाला था यार, बकवास है सर, कुछ भी नहीं था। सही, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। हीरा साहब, आप जरा थोड़ा सा मौजूदा सियासी सूरत हाल में बताइएगा कि खान साहब, क्योंकि अब अपोजिशन में जो पार्टियां हैं 2-3 और भी हैं, जीडीए है, लेकिन जो बड़ी पार्टी है अपोजिशन में वो पीटीआई है,
और आइंदा इलेक्शन में भी नज़र यही आ रहा है कि एक तरफ पीटीआई होगी, दूसरी तरफ नून लीग और ये दूसरी पार्टियां होगी, तो अब पीटीआई को नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए? मुदस्सिर, आपने आइंदा इलेक्शंस की बात की कि ये आपको पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है, मेरे नज़दीक अगले इलेक्शन अगर 2023 में जो कि अपने टाइम के ऊपर होंगे तो पार्टी पोजीशन ये नहीं होगी। अगर फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आ जाए और अगर तरीके दूसरी पार्टी भी रजिस्टर्ड हो रही है, यही तो एक अहम चीज़ है जिसके ऊपर अब इमरान खान को सोचना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। और कोई भी सियासी जमात, इसमें मेरा राय है कि इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब ने सदर की हैसियत से पार्टी के सेनेटर्स को टिकट दिए थे, वो आज़ाद बन गए थे, वो है तो नून लीग के सेनेटर लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर हुए आज़ाद, तो अगर ये भी पार्टी नहीं होगी तो होंगे तो पीटीआई के ना। सर, आज़ाद हैसियत में भी तहरीके इंसाफ के कितने लोग आ सकते हैं असेंबली में, पंजाब असेंबली हो, केपीके में हुकूमत बनाना कितना टफ हो जाएगा, नेशनल असेंबली में पार्टी पोजीशन खासी वीक हो जाएगी इससे, और इसी वक्त ही इस तरह के फैसले आते हैं इलेक्शन से कबल। मेरे नज़दीक इमरान खान को अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, पार्टी की स्ट्रेंथ के लिए 2023 के इलेक्शन के लिए काम करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ों से वो निकल के बच के अपनी कहीं ना कहीं कम अज़ कम केपीके में हुकूमत बना ले। फिलहाल इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज है उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ की, इन्होंने बात की कि इमरान खान पॉपुलर हो रहा है, उसका एंटी स्टैबलिशमेंट। अच्छा, आखिर में एक सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल होगा इस प्रोग्राम का कि क्या आप इस इत्तेहाद को, हुकूमती इत्तेहाद को चलता देख रही हैं? ये इत्तेहाद ना चल रहा है, ना भाग रहा है, ये रींग रहा है इत्तेहाद, और ये खुद परेशान है, कंफ्यूज्ड है, और सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे क्यों लेके आई, क्या मुझसे डिलीवर करवाने के लिए या फिर मेरी बैड परफॉर्मेंस को एक्सपोज करने के लिए या इतनी टफ सिचुएशन में। अगर नहीं, इमरान खान साहब को कोई फेवर देने के लिए लेके आई कि आप गलत एकदम, इमरान खान साहब जाएं अवाम के पास, अपने बयानियों को फरोग दें, पार्टी को स्ट्रेंथन करें, जलसे करें। एक साल रह गया है उनके लिए भी, इमरान खान के लिए अच्छा फेवरेबल टाइम बन सकता है ये अगर वो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें अपनी पार्टी के लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हीरा वहीद, एमल लतीफ और जफर बलती साहब। नाजरे अज प्रोग्राम में पहने मौजूदा सियासी सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से गालबोल के मेज़बान मुदसर के लिए इजाज़त, इंदर हफ्ते बेराज।